इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरीके से आप आपके रेस्टोरेंट के अंदर लाइव फीडबैक ऑन एवरी ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हो। अब जब कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट्स में आ रहे हैं और जब उनका खाना होने के बाद में आप मैनुअल वे से आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी के वक्त क्या करते हो, पेन और पेपर देते हो कि जी आप ये लीजिए और हमको फीडबैक बताइए, आपको फूड कैसा लगा, हमारी एम्बियंस कैसी लगी, स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा, फूड की क्वालिटी कैसी थी, फूड की क्वांटिटी कैसी थी एंड सो ऑन। तो ये क्या करते हैं हम लोग मैनुअल वे से अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट फीडबैक ऑन पेपर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। तो टीएम बिल के अंदर हम लोग आपको किस तरीके से फीडबैक को ऑटोमेशन कर सकते हैं ये हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, टीएम बिल क्या करता है, टीएम बिल आपको अलाउ करता है कस्टमाइज फीडबैक क्रिएट करने के लिए। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आपको फीडबैक मैनेजमेंट सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, फीडबैक मैनेजमेंट, यहां से आप फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में चले गए, यहां से आप क्रिएट योर ओन फीडबैक, जो कि अभी आप क्या हो रहा है बहुत सारे रेस्टोरेंट के अंदर मैनुअल वे से फीडबैक कलेक्ट हो रहा है पेपर के ऊपर। तो आपको यहां पे बैक ऑफिस में आकर यहां पे क्रिएट फीडबैक करना है, जो कि आपकी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फीडबैक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जो कि यहां पे एक ऑलरेडी एक फीडबैक फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसको एडिट करता हूं मैं यहां पे। अभी वेलकम स्क्रीन, तो ये क्वेश्चंस टाइप, आपको आपको किस टाइप का कस्टमर से फीडबैक लेना है, तो यहां से आप कस्टमाइज फीडबैक फॉर्म बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो वेलकम स्क्रीन के ऊपर आप क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके रेस्टोरेंट का नाम आ गया, यहाँ पे हमने स्टारबक्स बाने डाल दिए, हेलो हाउ आर यू, प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस विथ अस, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, एंटर कर दिया है वेलकम स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे दूसरी स्क्रीन है रेटिंग्स, ये हम लोग रैंडमली कैसे भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से ले सकते हो, रेटिंग आपको 2 बार लेनी है तो 2 बार ले सकते हो, यस और नो टाइप क्वेश्चन 2 बार लेना है तो 2-3 बार ले सकते हो, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म बना सकते हो। तो रेटिंग के अंदर हम लोगों ने क्या लिया है, हाउ वॉज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद अस, 5 स्टार, 5 स्टार मतलब आपको आउट ऑफ 5 स्टार के हिसाब से कस्टमर्स रेटिंग देंगे। यहाँ पे आप उसके लिए क्या बना सकते हो, स्टार दे सकते हो, कस्टमर स्टार दे सकता है या फिर हार्ट दे सकता है या फिर इमोजीज आ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे क्या मेंशन किया है, इमोजीज लिखी है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर का यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड बनाई है एस और नो टाइप क्वेश्चन। अब ये एस और नो टाइप क्वेश्चन यानी क्या, आप वहां पे होता है फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक टू विजिट आर रेस्टोरेंट अगेन, आप यहाँ पे आपको जो चाहिए आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, तो ये सर नो टाइप क्वेश्चन भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी क्या, आपको फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के पास से मल्टीपल चॉइस इनपुट्स कलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए बनाया है देयर शुड बी फोकस ऑन फूड क्वांटिटी, फूड क्वालिटी, स्टाफ बिहेवियर और क्लीननेस, तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में इनपुट बॉक्स, मतलब कस्टमर्स को पूछना है कि आप आपका एक्सपीरियंस हमको टाइप करके बताइए, तो कस्टमर जो भी यहाँ पे टाइप करेगा तो आपको इनपुट्स किस तरीके से दिखाई देंगे हम लोग वो वीडियो में आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर में हम लोग चलते हैं, अब कस्टमर्स अगर यहाँ से कस्टमर्स हमारे रेस्टोरेंट में आया है और उसने मोबाइल नंबर सबमिट कर दिया है, तो कस्टमर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फीडबैक की लिंक उसको भेजेंगे। अब वो फीडबैक की लिंक आपके कस्टमर के मोबाइल नंबर पे चली जाएंगी। अब यहां से हम लोग ने बिल सेटल कर दिया तो ये लिंक कहाँ चली जाएंगी, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे चली जाएंगी। अब हो क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर्स को आपको लिंक कब भेजना है, यहाँ पे थोड़ा और कॉन्फ़िगरेशन है। फीडबैक का टाइटल आपने मेंशन कर लिया, इज एक्टिव है, इज डिफॉल्ट है क्या, यस। आपको लिंक कहाँ पे भेजनी है, SMS पे भेजनी है, WhatsApp पे भेजनी है या फिर दोनों भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फीडबैक की लिंक भेजनी है, ठीक है। उसके बाद में टाइम टू फिल, जो फीडबैक फॉर्म है उसको फिलअप करने के लिए कितना मिनट लगता है, तो 1 मिनट। लॉयल्टी पॉइंट, जब कस्टमर वो फीडबैक फिलअप करेगा उसको लॉयल्टी पॉइंट कितने मिलने चाहिए, तो यहाँ पे आपने 10 लॉयल्टी पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद में डिले इन मिनट्स, मतलब क्या, आपको बिल सेटल होने के बाद में कितने मिनट के बाद में फीडबैक की लिंक भेजनी है, मतलब इमीडिएटली फीडबैक की लिंक भेजनी नहीं है। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कस्टमर्स घर पे चले गए खाना खाकर और उसको कम से कम 2-3 घंटे के बाद में क्या आ रहा है, SMS आ रहा है, हेलो सर थैंक यू फॉर विजिटिंग स्टारबक्स बाणेर, हियर इज आवर फीडबैक लिंक, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। तो कस्टमर्स वहां से बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे उसका फीडबैक उस लिंक को ओपन करके दे देगा। तो कब दे रहा है वो, 2 घंटे के बाद में, तो यहां पे आपको मिनट्स मेंशन करना है कितने मिनट्स के बाद में वो फीडबैक लिंक कस्टमर को रिसीव होगी। और ऐसे ही कस्टमर्स को आपको
लिंक भेजनी है जिसकी मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज है। तो इस हिसाब से आपने कन्फर्मेशन करवा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बना दिए। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर आइटम, मतलब क्या जो ऑर्डर के अगेंस्ट यहां से क्या हो रहा है, हम लोग ने जो ऑर्डर ली थी उसके अंदर जो आइटम्स थे उस आइटम्स के अगेंस्ट भी हम लोग फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, यहां पे मान लो हम लोगों ने कुछ एक्स वाई जेड आइटम्स ऑर्डर किए थे कस्टमर्स ने, अब वो कस्टमर्स के आइटम्स वहां पे दिखाई देंगे क्या, इंडिविजुअल ऑर्डर लेवल पे भी वो क्या कर सकता है, आइटम लेवल पे भी क्या कर सकता है, फीडबैक कस्टमर्स दे सकता है। तो यहां पे हम लोगों ने स्टार दे दिया। अब हम लोगों ने रेटिंग के लिए क्या बनाया था, इमोजीज बनाए थे। यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, स्टार दे रहे हैं। कस्टमाइज हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी हम लोग चूज यहां से कर सकते हैं। अब थैंक यू की स्क्रीन, यहां पे थैंक यू की स्क्रीन आ गई आपकी, ठीक है। तो यहां पे आप एक मेंशन आएगा क्या, लॉयल्टी पॉइंट का, जब कस्टमर जब फीडबैक सबमिट करेगा तब यहां पे कस्टमाइज मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो कि किस तरीके से आपको लॉयल्टी पॉइंट का मैसेज डिस्प्ले करना है, उस हिसाब से कस्टमर्स को वहां पे लॉयल्टी पॉइंट का मैसेज दिखाई देगा और वहां पे कितने लॉयल्टी पॉइंट मिले हैं एट द एंड ऑफ द स्क्रीन, वहां पे फीडबैक सबमिट करने के बाद में उसको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फीडबैक को बना दिया, अपडेट कर दिया। अब जो कस्टमर्स को लिंक गई है ना, जो कस्टमर्स को लिंक गई है कस्टमर्स के मोबाइल नंबर के ऊपर, तो यहां से हम लोग इसको लैपटॉप के अंदर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यही लिंक आपके कस्टमर्स को किसके ऊपर जाएंगी, कस्टमर्स के मोबाइल नंबर पे जाएंगी। तो हम लोगों ने यहां पे ओपन कर दिया। अब यहां पे पूछ रहा है आपको स्टारबक बानेर, तो ये दिखाई दे रहा है आपको यहां पे, हम लोगों ने जो जिस तरीके से फीडबैक बनाया था उसी तरीके से आपको दिखाई देगा यहां पे वेलकम स्क्रीन, है ना। तो यहां पे स्टारबक बानेर आ गया, स्टार्ट करते हैं फीडबैक। तो यहां पे टेक्स 1 मिनट दिखाई दे रहा है, मतलब ये फीडबैक सबमिट करने के लिए 1 मिनट लगेगा। स्टार्ट, यहां पे बताया हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद अस, तो यहां पे इमोजीज हम लोगों ने दिए हैं, तो इट वाज 5 स्टार। फिर हम लोग चलते ओके, यहां पे वुड यू लाइक टू विजिट अगेन, यस और नो टाइप क्वेश्चंस, जिस तरीके से हम लोगों ने यहां पे किया था रेटिंग भी हो गया, और ये यहां पे आता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, मतलब वुड यू लाइक टू विजिट अगेन, हम लोग कह रहे हैं ओके यस ओके। उसके बाद में वेयर शुड बी फोकस्ड ऑन, पे आपको एक स्टार दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्टार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस कंपलसरी है, कस्टमर्स को जो फीडबैक सबमिट कर रहा है उसको सबमिट ही करना है। तो यहां पे हम लोग मेंशन करते हैं कि फूड क्वालिटी के ऊपर और स्टाफ बिहेवियर के ऊपर रेस्टोरेंट ने फोकस करना चाहिए। तो यहां पे ओके करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे मेंशन किए थे, यहां पे उसकी सेटिंग से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलाउ करना है, मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करना है, रैंडमनेस अलाउ करना है, तो यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहां पे क्या क्या, प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, मतलब क्या, यहां पे इनपुट बॉक्स है, मतलब आपके एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए टाइप करके। तो कस्टमर यहां पे टाइप करेंगे और उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कस्टमाइज एक्सपीरियंस यहां पे टाइप कर सकता है, तो वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब यहां पे आ रहा है स्टार, देखो यहां पे स्टार आ रहा है। तो यहां पे इमोजीज आपको देने हैं तो इमोजीज भी दे सकते हो, यहां पे आपको हार्ट देने तो हार्ट भी दे सकते हो, या फिर आपको स्टार देने तो स्टार भी दे सकते हो। आप यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, प्लीज गिव अस अ फीडबैक ऑन योर ऑर्डर आइटम्स, मतलब क्या, मतलब जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था उसके उस पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट आपको क्या यहाँ पे फीडबैक देना है। तो कैफे ऑरेंज के ऊपर हम लोग 4 स्टार देंगे, यहाँ पे 3 स्टार देंगे और यहाँ पे 5 स्टार देंगे। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटम लेवल भी हम लोग उस ऑर्डर के अगेंस्ट फीडबैक यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। अब जैसे ही फीडबैक हम लोग सबमिट करते हैं, ओके स्क्रीन दबाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थैंक यू स्क्रीन आ रही है आपको, यहाँ पे कस्टमाइज आपको मैसेज आप डाल सकते हो, थैंक यू फॉर विजिटिंग, है ना, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फीडबैक, ये सब कुछ कस्टमाइज यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, ये कस्टमाइज है, ठीक है। हे You just received 10 points. You can redeem this point on next order. Thank you. मतलब क्या, यहां पे उसको लॉयल्टी पॉइंट कितने मिले हैं, 10 मिले हैं। तो यहां पे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, हे यू जस्ट रिसीव 10 लॉयल्टी पॉइंट्स, है ना। तो आप लोग मैसेज भी यहां पे कस्टमाइज कर सकते हैं। देखो यहां पे हम लोगों ने एक जस्ट सैंपल हमारे लिए टेक्स्ट मैसेज यहां पे एंटर किया है। तो यहां पे कस्टमर्स को फीडबैक सबमिट करने के बाद में क्या मिल रहा है, लॉयल्टी पॉइंट में मिल रहा है। वही लॉयल्टी पॉइंट जब वो नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट को विजिट करेगा तो वो लॉयल्टी पॉइंट वहां से वो रिडीम कर सकता है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, आप खुद का कस्टमाइज फीडबैक फॉर्म बना सकते हो आपके रेस्टोरेंट के लिए। अब फीडबैक आपके लिए क्यों जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अब फीडबैक की जरूरत क्यों है,
आपके रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि आइटम बेस्ड लेवल आप फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो, ऑर्डर बेस्ड लेवल फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो, सर्विस बेस्ड लेवल फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो कस्टमर से, एम्बियंस कैसा है रेस्टोरेंट का, स्टाफ का बिहेवियर टूवर्ड्स कस्टमर्स कैसा है वो आप कलेक्ट कर सकते हो फीडबैक, है ना। ये कस्टमाइज है टोटल। क्लीननेस कैसा है रेस्टोरेंट के अंदर, क्लीननेस कैसा है, हाइजीन मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लेवल पे आप फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो ये आपको कस्टमर से इनपुट मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो रेस्टोरेंट के सर्विसेज के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फीडबैक फॉर्म, कस्टमाइज फीडबैक फॉर्म आपके रेस्टोरेंट के लिए चाहिए, और उस हिसाब से आप आपके रेस्टोरेंट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इस तरीके के वीडियोस हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। आपको टीएमबीएल सॉफ्टवेयर के बारे में अगर जानना है इन डिटेल के अंदर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।